एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं पीएम इमरान खान लास्ट मोमेंट, और ये कुछ टिकटॉक वीडियोस हैं जिसमें उनकी सैड मोमेंट्स हम देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड इमरान खान सर के अगर आप लोग फ़ैन हो, उनके फॉलोअर्स हो, तो मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पर आपको ढेरों वीडियोस मिलेंगी। इमरान खान सर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस पर रिएक्शन किया हुआ है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वहां बातचीत भी बड़ी है, मुझे बड़ा। और मैं ये मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। 26 साल से मैं उसके साथ रहा। मैं स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और उस वक्त जब मैं शौकत खानम को एक चीज कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाजें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, अहल है, ये खत्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मफामत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूं, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ, मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का। जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन, मेरे अब हाथ वो जो जंजीर पली हुई थी ना वो अब खुल जाएगी। और मैंने सुने, जरा सुने, पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी हो गई है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। सुने टाइगर उसकी वजह है। देखे इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। सही बात। उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर है? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। उनके ऊपर तबसरा करना फजूल। मैं मासूम चेहरा है ना इनका। या अल्लाह, तूने हमें कच्चा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद फरमा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से उसकी हिफाजत फरमा, उसको अच्छे खैर खाम मुशीर अता फरमा। या अल्लाह, मैं तुझे गवाह बना, मैंने कभी हुकूमतों से कभी एक पैसा नहीं। रौनके खत्म हुई मुर्शिद, मेरा यार जा रहा पल रुका है। आज का शेर है जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए, फरमाता है जी, गिरा जरूर हूं पर हारा तो नहीं है पाकिस्तानियों। मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं अपने अल्लाह को ये कम से कम कह सकूंगा कि अल्लाह, मैंने अपनी कौम को उनके हकूक के लिए जगाने की पूरी कोशिश की। ऐ मुनाफिको, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। तो ये था वीडियो, और आई थिंक ये वीडियो ना स्पेशली
वो वाले मोमेंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं जब उनको मतलब हटाया गया था ना उनकी पोस्ट से। टाइम पर जो जो वीडियोस उनकी आई थी यानी कि जो भी इमोशनल मोमेंट्स कह लो सैड मोमेंट्स बोल लो वो सब कुछ इसके अंदर थी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सैड था सीरियसली और बहुत इमोशनल भी था और कहीं कहीं पर मोटिवेशनल चीज़ें भी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि इमरान खान सर जब बोल रहे थे ना तो बोलते बोलते कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब रो देंगे और शायद उनकी आंखों में आंसू भी थे और बहुत इमोशनल हो रहे थे उस वक्त। और एक जगह पर हमने देखा सेकंड क्लिप में जहां पर कोई एक स्पीकर हैं और उन्होंने बोला है कि 25 या 26 साल उन्होंने जो है इनकी पार्टी ज्वाइन की हुई थी और वो थे ही इमरान खान सर की वजह से क्योंकि उनसे उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। मींस वो स्पीकर हैं और शायद इनसे बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात होंगे तो उन्होंने भी अपनी जो है पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई ऐसे अपनी पोस्ट रिज़ाइन नहीं करता है। और हमने देखा कि इसके अंदर कुछ शेर व शायरी थी और उन्होंने बहुत जगह पर ये चीज़ बोली मेरे हाथ बंधे हुए हैं नहीं तो मैं इन दुश्मनों को बहुत अच्छा सबक सिखा सकता। और उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया था ना मैं आया ही इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने था। और वो कुछ लोगों के चेहरे और नाम भी दिखाए जो कि मैं अपने वीडियो में नहीं बोलूँगी। तारिक जमील साहब यार उनका तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि उनका वीडियो मुझे इसमें देखने को मिलेगा। सीरियसली या ये एडिट किया है ये वीडियो या फिर वो सच में इन्हीं के लिए दुआएं मांग के रो रहे थे। वैसे तो मुझे 99% श्योर है जिस तरीके से वो दिख रहा था ना सामने के वो दुआ मांग रहे और वो रो रहे हैं और बराबर में इमरान खान सर की फ़ोटो या वो वीडियो चला रखी है तो बिल्कुल रिलेटेबल तो लग रहा था कि वो उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि मतलब आज़त फरमा एक ही तो हमें यू नो एक ऐसा लीडर मिला है आवाम की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो कुछ ऐसी दुआएं मांग रहे थे जो कि सच बहुत दिल से उनकी दुआएं निकल रही थी और बहुत ज़्यादा वो रो रहे थे। मौलाना तारिक जमील साहब को मैं भी सुनती हूँ और मुझे उनको सुनना बहुत पसंद है। उनके बयान बड़े प्यारे होते हैं। मैंने उनकी कई वीडियोज़ पर पहले रिएक्शन भी किया हुआ है और सच में जब वो दुआ करते हैं किसी के लिए तो दिल से आवाज़ निकलती है और आंखों का आंसू ना बंद नहीं होता। उनकी आवाज़ में वो वाला जादू है। तो अगर वो तक भी इनके सपोर्ट में है तो फिर तो लोगों को समझ जाना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कि क्या सही है और क्या गलत है। शेर व शायरी भी इसमें दिखाया था। मैं चाह रही थी कि मैं उसको पूरा सुनूं बट वो ना बहुत थोड़ा सा बोल के उन्होंने दूसरा क्लिप चला दिया। आई विश कि मैं उसको पूरा सुन पाती बिकॉज वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। एनीवेज गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।